Hey friends, this is Ashok Rival. I welcome you all in today's video. As you know that we have started the second term, complete syllabus for class 10th, right? Especially in this series that I'm talking. वैसे तो syllabus हम यहाँ पे 12th का भी discuss कर रहे हैं, 9th to 12th में मतलब सारा English का syllabus हम discuss कर रहे हैं, board exams का specially first इस complete series में. सो लिटरेचर बच्चे वी हैव कम्प्लीटेड. अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. लिटरेचर हमारा कम्प्लीट हो चुका है. ग्रामर हमने स्टार्ट कर ली है. रिसेंटली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहें या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहें. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मीनिंग ही एग्रीमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर रहेगी. ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है रिसेंटली और उसी टॉपिक बेस्ड यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिस चैप्टर है, राइट. हम प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट ओनली द क्वेश्चंस बट आई विल शेयर विद यू ऑल द रूल्स कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, द रेगुलेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डैश फ्रॉम द करिकुलम. अब एक चीज़ देखिए, रेगुलेशंस प्लूरल है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सिंगुलर है. एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलेशंस रूल प्लूरल है तो स्टेम्स नहीं आएगा. स्ट्रीमिंग तो इज आना चाहिए इससे पहले, नहीं दे रखा. आर स्ट्रीम्ड नहीं है तो आंसर इज ए जो कि दिया हुआ है स्टेम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी. अगर यहाँ पे रेगुलेशंस की जगह रूल होता तो स्ट्रीम्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये है सेकंड क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स विद मी. बच्चे उस आदमी के जो मेरे साथ काम करता है, ये वर्क्स तो आया भैया, आपको दिखा देता हूँ. जो द चिल्ड्रन बच्चे किसके, एक आदमी के, कौन सा आदमी, जो हमारे साथ काम करता है, तो वर्क्स तो है ही इस मैन के लिए. विद मी डैश ब्रोकन द विंडो दिस मॉर्निंग. अब उन्होंने तोड़ दिया है. ब्रोकन है तो थर्ड फॉर्म आनी है, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड में से एक आना है, वर्ड तो आएगा नहीं. तो प्लूरल है तो आया क्या, हैव ब्रोकन. तो बी इज़ द राइट आंसर जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे. बट वी मस्ट नो द रीज़न अबाउट इट कि क्यों आ रहा है ये आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है, वन मैन अमंग क्रू, एक आदमी पूरे ग्रुप के बीच में, इन टू द वाटर एवरी वीक क्या करता है, डाइव. एक आदमी तो डाइव जाना चाहिए, हैड डाइव्ड चुका था जब, लेकिन एवरी वीक की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. इज डाइविंग डुबकी लगा रहा है या डाइव्स, उसकी हैबिट बन चुकी है एवरी वीक, तो हैबिट डाइव्स. डी इज द राइट आंसर. द मैन एमियन, मैन प्लूरल है ऑफ द कम्युनिटी, तो मैन प्लूरल है भाई कम्युनिटी के. डैश नॉट सपोर्ट द लीडर, लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डज तो आएगा नहीं. हैव नॉट सपोर्टेड आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म आती, हैज भी थर्ड फॉर्म आती, तो बचा डू इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यू स्टूडेंट्स हु डैश प्लेइंग फुटबॉल मिस द क्लास. फ्यू स्टूडेंट्स ज़्यादा है, हु डैश वुड बी प्लेइंग नहीं, कुड बी प्लेइंग सकते थे, हैड प्लेड तो, हैड प्लेइंग तो कभी नहीं होता, तो वर प्लेइंग कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, पास्ट टेंस है, ठीक है. नेक्स्ट है, द पुलिस डैश टू बी केयरफुल सिंस द क्रिमिनल वॉज डेंजरस. द पुलिस डैश टू बी केयरफुल, पुलिस को केयरफुल होना चाहिए, यह पुलिस ने बताया केयरफुल होने के लिए क्रिमिनल क्योंकि डेंजरस था. तो पुलिस वॉज टेलिंग बता रही थी, क्योंकि पुलिस कलेक्टिव नाउन है बच्चे, ठीक है. तो दिखता सिंगुलर है लेकिन इसके बाद हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं क्योंकि प्लूरल होता है. तो वर टोल्ड टू बी केयरफुल, पुलिस को बताया गया कि सावधान रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स माइंड, बच्चों का दिमाग प्लूरल है, ठीक है. अबाउट द ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के विषय में क्या है, हैज़ बिन कन्फ्यूज, बच्चों के दिमाग, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा दिमाग, तो हैज़ नहीं आएगा, हैड कन्फ्यूज नहीं आएगा,
तो क्या आएगा, हैव बीन कन्फ्यूज, कन्फ्यूज रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर, जो कि ऑलरेडी दिया भी हुआ नीचे। बट आई एम शेयरिंग यर द रीजन्स वाई, क्यों आया ये, ठीक है भाई। द मैन हुम आई वॉज टॉकिंग विद डैश द डीन ऑफ द फैकल्टी, द मैन जिस आदमी से मैं बात आई वॉज टॉकिंग कर रहा था, पास्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली वो कौन था जिसे मैं बात कर रहा था, वो कौन था के लिए तो क्या होगा, या तो वोज होगा या वर होगा, और बात कर रहे एक आदमी की, तो ऑब्वियसली वोज इज द राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर द मैन नॉर हिज सन, ना ही तो आदमी और ना ही उसके उसका बेटा कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया, आइडिया से कन्विंस हुआ। तो मैंने अभी वो डिस्कस किया था रोल में पिछली वीडियो में कि नीदर नॉर इधर और के साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो सी इज़ द राइट आंसर, वॉज आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू नो द मैन, डू यू नो द वुमन नेक्स्ट टू द विंडो, तो डू यू नो द वुमन, क्या आप उस औरत को जानते हो, स्टैंड्स जो वहाँ खड़ी होती है, स्टैंडिंग खड़ी हो रही है, स्टैंड तो आएगा नहीं, स्टैंडिंग, द वुमन, डू यू नो द वुमन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो, जो खड़ी बस खड़ी है, स्टैंडिंग, ठीक है। ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स, सो ही एंड आई दो हो गए गुड फ्रेंड्स, बट नाउ वी वॉन्ट टॉक, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, तो ही एंड आई वर, हम अच्छे दोस्त थे लेकिन अब नहीं बात करते, इसका मतलब थे, पास्ट टेंस आएगा, वर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे। ऑल्दो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास डैश द स्टूडेंट्स वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑलवेज कम्स लेट टू द क्लास, तो ऑल्दो एवरी स्टूडेंट इन माय क्लास नोज आना चाहिए, क्योंकि एवरी स्टूडेंट की बात है, नोज डी राइट आंसर। आफ्टर द मीटिंग ही सेड अ ग्रेट डील ऑफ एडवाइस, तो क्या हुआ, आफ्टर मीटिंग के बाद उसने कहा कि ग्रेट डील ऑफ एडवाइस डैश वर गिवन हैज़ बीन गिवन, मीटिंग के बाद उसने कहा, सेड पास्ट है, तो सी हैड बीन गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ओनली व्हेन ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स डैश रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस कैन यू टेक देम टू द हॉल, ओनली व्हेन ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स, ईच प्रत्येक, एवरी, इसे एवरी के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, तो फिनिशेस डी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, इस्तांबुल डैश इन 1453 बाय सुल्तान मोहम्मद द कंकरर, कंकरर होता है विनर, जीतने वाला, तो क्या इस्तांबुल जीता गया था बाय सुल्तान मोहम्मद इसके थ्रू, तो हैड बिन कंकर्ड, कंकर्ड और वॉज कंकर्ड, वॉज कंकर्ड जीता गया था, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस जो क्वाइट इम्पोर्टेंट हैं बट इजी दिए हुए थे व्हाट आई फील, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। इफ़ यू आर न्यू, कैसी लगी वीडियो वो भी आप कमेंट में बताएं, और इससे पहले वीडियो अगर आपने रूल्स की नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी एक बार जाके आप ज़रूर देखें, ऐसी एक्सरसाइज हम लोग लेके आएंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू कैन पुट योर प्रीसियस कमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट अस टू इम्प्रूव आर टीचिंग। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास का, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।